अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज अभी इस टाइम मैं हरिपुर में खड़ा हूँ और मैं जा रहा हूँ कराची। मैं और मेरे वालिद साहब दोनों कराची जा रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे हरिपुर छोड़ने के लिए हानिया और उस्मान दोनों आए हुए हैं, तो अभी हम लोग अपने ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। ड्राइवर आएगी तो ड्राइवर आ जाए तो फिर हम लोग निकलते हैं। तो कैसा सफ़र रहता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसा मौसम है वहाँ का, क्या कुछ है, हम सारे आपके साथ में अपडेट करते रहेंगे। मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाता रहूँगा साथ। उस्मान, मुझे मिस करोगे? बिल्कुल नहीं यार, क्या मिस करना आपको, आपको क्या मिस करूँगा मैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं आपको मिस करूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरी चीज़ें नहीं पहनना पीछे, मेरी कोई चीज़ तुमने नहीं पहननी, मेरी कोई चीज़ मान तुमने नहीं पहनी, कोई चीज़ मेरी यूज़ नहीं करनी, समझा गई है ना? आपसे आपकी जो चीज़ें ना आपसे ज़्यादा नहीं सूट करती, मेरे से ज़्यादा सूट करती। तो अभी हम लोग ड्राइवर का बैठ के वेट करते हैं। ड्राइवर आए तो ड्राइवर में बैठती हूँ, ड्राइवर आ जाए तो इनको भेजते हैं फिर। तो आज हम शुक्र करेंगे, इंजॉय करेंगे, शुक्र करेंगे ये जाएंगे, शुक्र करेंगे ये जाएंगे। आनिया भी दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ ये आनिया बैठी हुई है। आनिया मुझे छोड़ने के लिए आई हुई है यहाँ पे। आने बाय बाय करोगी मेरे मामू को? सबको सलाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? ठीक हो? बोलो मैं मामू को छोड़ने आई हुई हूँ। अभी आनी मुझे छोड़ के घर जाएगी। आप फिर आनिया मुझे मिस किया करोगी या नहीं? मुझे याद करोगी? अच्छी बात है, मैं भी आपको बहुत याद करूँगा, आई मिस यू। तो चले फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकलते हैं, ड्राइवर को आने वाली है तो फिर ड्राइवर में बैठते हैं तब के साथ। जी, मैं और उस्मान दोनों इस टाइम यहाँ पे खड़े हैं, ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अभी ड्राइवर आए तो इनको भेजें, शुक्र करेंगे जाएंगे ये। आप लोग भी शुक्र करेंगे, मैं जा रहा हूँ तो आपको भी साथ दिखाते हैं ये कैसे। पीछे उस्मान भी ब्लॉगिंग करेगा, इधर उस्मान भी ब्लॉग अपना अपलोड किया करेगा। उस्मान आपका काम भी है, आप अपना ब्लॉग बनाना है, समझ आइए ना? ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आप लोगों ने मेरी दुआ में याद रखना है, तो इंशाल्लाह रास्ते में आप लोगों के साथ गपशप होती रहे। देखिए जी, हमारी ड्राइवर आ गई है, अब वो पीछे आ रही है। नियाजी ने मुझे छोड़ के, नियाजी बाला गुजर इसमें जाएंगे आज। हमारी बाला गुजर आ गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं। मम्मा, मैं अपना बैग ले लूं। मम्मा, मानो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, बैग कट हुए। कैमरे में स्क्रीनशॉट करके भेज, लग जा रहा है मरा। हम कराची जा रहे हैं, कराची। हानिया मुझे दे दो बैग, ये मेरा बैग, ये राजी मैं भी जा रहा हूँ। ये देखे जी, कुछ मुसाफिर उतर रहे हैं और कुछ जाने की तैयारी में, हम लोग भी जाने लगे हैं। हानिया, आई मिस यू एवरी टाइम। फाइनली हम लोग बैठ के हैं गाड़ी में। ये मेरे पापा जा रहे हैं, ये मेरी सीट आ गई, ये बाहर वाले लोग। मेरे पापा कुछ लगा रहे हैं, निकल रहे हैं हरिपुर से इंशाल्लाह। अब कितने घंटों का रास्ता है कुछ पता नहीं है, शायद 8-10 घंटे लगेंगे लाजमी बात हमारी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं दरवेश से, मतलब अभी स्टार्ट हुई है। अभी भी आए हैं, करीबन 10 मिनट हुए हैं अभी हमें गाड़ी में बैठे, हमारी गाड़ी चलते हुए अभी मोटरवे पे हम लोग पहुँचाए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग
नहीं जी, KFC में इस टाइम यहाँ पे वो लोग उतरे जो नमाज अदा करेंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वरना मैं भी उतर जाता नमाज अदा कर लेता। ये देखिए लोग आ जा रहे हैं अभी, तो होटल वही पे ही हम लोग। मगरब का टाइम हो गया है, मगरब की नमाज अदा करने के लिए काफ़ी सारे लोग उतरे हैं। पापा भी उतर गए हैं नमाज अदा करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग उतरे हैं शाहजी रेस्टोरेंट में, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया सब ने। अभी ये हमारी ड्राइवर खड़ी है इस टाइम, ये हमारी ड्राइवर है। तो बड़े मज़े का खाना था, खाना वगैरह खाया अभी हम लोगों ने। अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। ये देखिए फ्रेंड्स अभी सुबह के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं। यहाँ पे इतनी धुंध है, बहुत ज़्यादा धुंध हुई है यहाँ पे, और मौसम भी अच्छा है माशाल्लाह। नॉर्मल मौसम है, गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, अच्छा मौसम है। और तकरीबन आधे घंटे का हमारा मज़ीद सफ़र है ड्राइवर में। ये सारा सिंध का एरिया, जल्दी से जल्दी।
देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच आए हैं। इस जगह का नाम है लड़काना भी नहीं है, उससे पहले आती है ये जगह। हम लोग पहुँचे मेड़ नाम है जगह का। और खुदाया पाका, इतने गंदे लोग मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। ये तो मैं जिस टाइम अकेला बैठूँगा या मुझे तनहाई मिलेगी थोड़ी सी, तो मैं इस शहर के बारे में, इन लोगों के बारे में आप सबसे डिस्कस करूँगा। अभी तो खुदाया पाका 1960 के लोग हैं यहाँ पे। अभी मैं चिंची पे बैठा हूँ, तो बस थोड़ी देर में अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं। ओए ओए ओए, थक गए, आज कमर टूट रही है मेरी दर्द से, शदीद थके हुए हैं आज। ये पीछे गोश्त वाली दुकान है। मैं आपको दिखाता हूँ ये सब कुछ। ये देखिए, गाइस इंतहाई गंदा, जिसे कहते हैं ना इंतहाई गंदा शहर है। मैं क्या तारीफ करूँ इसकी, कुछ उनसे तारीफ के लायक तो है ही नहीं है ये। यहाँ पे आके मुझे अपने केपीके की इतनी कदर हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। पाकिस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं है जो साफ़ हो सफाई केपीके के। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा। वहाँ के लोगों को मैं कसम से सलाम करता हूँ, सलूट देता हूँ, इतने साफ़ सुथरे लोग। यहाँ पे आके मैं पशमान हो गया हूँ। कब वापस जाएंगे, कब वापसी का सफ़र स्टार्ट होगा। थकावट से तो बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पे मेरे पापा ने कुछ टाइम काम किया था, उनके जो बड़े उस्ताद थे उनका यहाँ पे कहीं घर है, उनसे मिलने हम लोग जा रहे हैं अभी। तो उनको शादी का इनविटेशन देंगे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि लोगों को देखते हैं तो दिल नहीं करते यहाँ पर कुछ खाने का। इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा कसम से। ड्राइवर तक का सफ़र तो माशाल्लाह हमारा अच्छा रहा है, उसके बाद का सफ़र जो अपनी गाड़ी की बहुत कदर हुई है। अपनी गाड़ी को तो छोड़े, मुझे अपने पूरे हज़ारा की बहुत कदर हुई है कसम से। परेशान हो रहा हूँ, वापसी का रास्ता कब स्टार्ट होगा, हमारा सफ़र कब स्टार्ट होगा। मुझे बन गए यहाँ पे आके। यहाँ पे तो ना कुछ लोगों के बाल ऐसे जैसे पिता मतलब पैदा हुए तो उन लोगों को अल्लाह ताला ने दिए, उसके बाद उन्होंने कटिंग नहीं करवाई, ऐसे बाल हैं उन लोगों की, जंगलियों की। उन लोगों की ज़ुबान पता है लोगों को, मतलब हम लोग जब गाड़ी में आ रहे थे ना, वैगन में थे, तो वहाँ मेरे हमारे साथ वहाँ के लोग ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए थे कि उनके सामने मैं खुद को प्रोफेसर समझ रहा था। मतलब साफ़ सुथरा बिल्कुल एक अच्छा इंसान समझ रहा था खुद को, भी अच्छा ही, ये नहीं है कि नहीं हूँ। पापा जी आ गए, पाकिस्तान। ये हमारा पाकिस्तान।